A very warm good morning. Yes, here I am and I can see you and listen to all of you. Namaskar. Good morning. This is Dr. Vani and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all to the cheat sheet lecture which is we are doing right now. We are going to be doing diversity in the living world. I have two requests to make from each one of you. Request number one, please watch the lecture till the end. I can guarantee all questions of diversity in the living world in NEET 2021 will come from the cheat sheet. इसके अलावा अगर आपने diversity का एक भी MCQ solve नहीं किया और diversity की कोई भी theory solve नहीं की हो जाएगा. Don't worry, guarantee है वाली मैम की. Done? Please do that. Yes. Number two, please sit with a paper and pen. जो मैं बोलती जाऊंगी या snapshots ले लो, easy. उस snapshot को एक folder में डाल देना, last दिन देखकर चले जाना या लिखते रहो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो. Done? Is that clear? जो आपको ठीक लगे, but ये दो चीजें please करिएगा. I will not take even a moment more. The most important thing is your time, but ये दोनों चीजें please कीजिए. कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी. अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, आई विल डू द चीट शीट फॉर द इंटायर टॉपिक. आई विल टॉक इन इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट दैट. इंटायर थिंग आई विल कवर इन द फॉर्म ऑफ चीट शीट. माय नेम इज डॉक्टर वानी. आई प्रोड्यूस टॉप एम्स रैंक्स ऑफ 877-130. इन द फर्स्ट 500 आई हैव 22 स्टूडेंट्स इन एम्स, 50 नीट सिलेक्शंस विद 30 बीइंग इन द टॉप 1000. 10 plus years of teaching experience. This is my 11th straight year teaching. Most important topics to need 2021 ke hai. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Friday to hamara marathon chalega. 4 days main aapko topic ki list de dungi. Agle 4-5 dino mein aap at least wo sare topics NCERT se kar lena. वो सारे टॉपिक्स मैं भी कवर करूंगी. फ्राइडे को मैं 11th का मैराथन कराऊंगी. अगले हफ्ते में आपको पूरा 12th का वन शॉट मैराथन थियोरी मैराथन करवाने वाली हूँ. कोई प्रॉब्लम है वाणी सूत को वेदांतु पे एक स्टोरी डाल दो, एक मैसेज डाल दो. आई विल पर्सनली रिस्पॉन्ड बैक टू ऑल योर स्टोरीज, टू ऑल योर मैसेजेस. राइट. वेदांतु का इनिशिएटिव है हेल्प इन योर लर्न विच इज देयर, कि जितने भी बच्चे बिकॉज ऑफ कोविड जिनकी एजुकेशन रुक गई, दे गॉट ऑर्फन और दे जस्ट डोंट हैव द मनी टू स्टडी, स्कूल जाने का भी पैसा नहीं, किताबें खरीदने का भी पैसा नहीं, स्कूल छूट गया है, वी आर गोइंग टू हेल्प. राइट. फाइनल चांस टू कंप्लीट एनसीईआरटी बायो कल फ्राइडे है. टुडे इज अ थर्सडे, कल आपका फ्राइडे है. कल सुबह 9 बजे से मैराथन होने वाला है. इज दैट क्लियर? सिलेबस अभी भी ओवर नहीं हुआ है. कितने बच्चे सिलेबस ओवर नहीं हुआ? व्हाट टू डू? आई एम गोइंग टू टेल यू एट 12:30 टुडे. डन मेरे बच्चों? मैस्कॉट्स प्यार तो दे दो यार, एक लाइक तो बनता है. सेंड योर लव. अभी भी सिलेबस खत्म नहीं हुआ. लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मेंटी क्विज है आज एंड इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट. कल मैंने डेट्स कराई थी. यस, कल मैंने डेट्स करवाई थी आपको, सारी डेज इन डेट्स. मैं आपको सारी एब्रीविएशंस करवा चुकी हूं. पुराने लेक्चर देख रहे हो कि भूल चुके हो, भटक चुके हो? पुराने लेक्चर देख रहे हो ना? कम ऑन गाइस यार, मेक श्योर एक लाइक आ रहा है स्क्रीन पे. यू सेंड योर लव बैक. लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. मेक श्योर यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु बायोटॉनिक. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, मैंने ड्रॉपर्स बैच भी स्टार्ट कर दिया है अंडर माई गाइडेंस विद माई क्लासेस विद द कोड वीडी प्रो. 1500 प्लस स्टूडेंट्स आर देयर इन माई ड्रॉपर्स बैच ऑलरेडी. लाखों बच्चों में से 1500 बच्चों ने डिसाइड कर लिया. इस साल नहीं हो पाएगा, अगले आप कीजिए, बट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम. ड्रॉपर बैच से मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूं, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूं. डॉक्टर ही बनना है यार, एक एम है, मैं आपके साथ हूं. डॉक्टर बने बिना नहीं छोड़ेंगे. कितने बच्चे सेशन में अभी भी जो इस साल ड्रॉप करके बैठे थे एंड इस साल उनका रैंक आएगा. कैन यू इमेजिन? इट कम्स टू 26 रुपीज पर डे विच इज चीपर देन फुल प्लेट ऑफ चार्ट एंड ऑल. एक वीक में 21 लेक्चर होते हैं, 3 दिन 3 लेक्चर, 3 दिन 4 लेक्चर, टोटल 12 लेक्चर एक हफ्ते में. राइट. 21 लेक्चर्स इन अ वीक. 9 + 12 इज इक्वल टू 21 लेक्चर्स इन वन वीक. डेढ़ घंटे का लेक्चर, 31.5 आवर्स इन वन वीक, 94.5 आवर्स ऑफ लाइव ऑनलाइन लर्निंग, लाइव लर्निंग. 108 घंटे एक महीने में, एक भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है. हर एक सेशन के असाइनमेंट, बुकलेट, वॉलंटियर टेस्ट सीरीज, वी नर्चर टोटल. ये सारी अबिलिटीज आपकी नर्चर करेगा. आपको वैदिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो. आपके घर में बुक्स भेजी जाएगी, टेस्ट होंगे, क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा, एवरीथिंग. आप टेंशन मत लो, अभी तो पढ़ाई करो, बाद का बाद में देखेंगे. पर मैं ये बता दूं, 13 सितंबर से आई एम स्टार्टिंग न्यू बैच. सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ. चीट शीट्स कर दे स्टार्ट. कॉपी खोल दी सब बच्चों ने?
म्यूजिक माई बुक इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून बेटा, पब्लिशर्स के पास जा चुकी है, इट इज नॉट इन माई हैंड्स, इट्स ऑलरेडी विद द पब्लिशर्स. ओपन होगी मेरे बच्चों की कॉपीज, डन. स्नैपशॉट्स लोगे, रिकॉर्ड करोगे या कॉपी में लिखोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू बता दो. पर कैसे भी कर लो, बट यू हैव टू डू इट. या तो कॉपीज ओपन कर लो या स्नैपशॉट्स ले लेना, इसके बिना एग्जाम में कोई नहीं जाएगा. मैं पूरी पूरी यूनिट्स की आपको चीट शीट्स करवा दूंगी, इसके बिना एग्जाम में कोई नहीं जाएगा. स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट चलो रट्टे मारना. और एक प्रॉमिस आपको करती हूं, इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, डन. चलो लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहले नंबर्स पे आ जाओ. नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब्ड है 1.7 to 1.8 million. एमसीक्यू डायरेक्ट. एनिमल्स अराउंड 1.25 million. इंसेक्ट्स अबाउट 1.0 to 5 million. प्लांट्स आर अबाउट 0.5 million. डन. इज दैट क्लियर एवरीबडी? What are the defining characters of living organisms? MCQ. अच्छा एक बार आपको दिखा देती हूँ पहले कि आज के सेशन में है क्या क्या. साइंटिस्ट बुक्स आती है, सारी बुक्स कवर कर लेंगे हम. हिस्ट्री डेवलपमेंट अर्नेस्ट में हमें क्या किया, जूलियन हक्सली ने क्या किया, सारी एब्रीविएशंस, पूरा ऑर्डर, कब क्या कहेंगे, ये वाला चार्ट आता है, कहां पे कौन सा हर्बेरिया में एमसीक्यूज में आएगा 100%. बोटेनिकल गार्डन्स कहां है, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक कल हमने देखा था. बेजरनिक, स्टैनली, डीनर, सारे क्वेश्चंस थे. ये देखिए एग्जांपल्स एनसीईआरटी के, सारे एग्जांपल्स करा दूंगी एनसीईआरटी के जो एग्जाम में आएंगे. प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल आते हैं. आइसोगैमिक ऑर्डर करते हैं, आइसोगैमिक ऑर्डर सारा. इसके बाहर से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा. ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल, रिशिया के सारे एग्जांपल, एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, सिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिनोप्सिडा, एग्जांपल बताओ मैम. मैक्रोफिल, माइक्रोफिल, होमोस्पोरी, हेटरोस्पोरी, सब, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू. और सारे टॉपिक से करवा दूंगी. डन. ओपी पूरे एनिमल किंगडम देख लो, टेरेस्ट्रियल कौन है, यस, कर्सोरियल कौन है, फुसोर, सारा कुछ एक एक चीज के स्नैपशॉट लेते रहना. मैं आपको सब कुछ करवा दूंगी, एवरीथिंग, पूरे टॉपिक से करवा दूंगी चीट शीट्स. डन. इज दैट क्लियर? सिर्फ आराम से बैठो एंड वी विल डू एवरी सिंगल टॉपिक. मैं पूरी पूरी यूनिट्स के आपको करवा दूंगी. पीडीएफ नहीं मिलेगा, पिट्टी मिलेगी. पीडीएफ तुम पढ़ते पढ़ते हो, नहीं पीडीएफ चाहिए तुम्हें. डन. कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, नो. इतनी मेहनत लगती है बनाने में, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा. चलो क्लास में बैठो और कॉपी करो इसको, पिट्टी मिलेगी पीडीएफ की जगह. और इसके बाहर से गारंटी एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. डन. देयर विल बी नो क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड दिस, वी विल डू एवरीथिंग ऑन दिस. ओके, सो नंबर ऑफ स्पीशीज 1.7 to 1.8, एनिमल, एनिमल्स 1.25 टोटल नंबर, इंसेक्ट्स 1.0 to 5, प्लांट 0.5 एमसीक्यू. डिफाइनिंग कैरेक्टर 60% to 70% chance of coming as MCQ. Earlier used to be more, now little less. Cellular structure, metabolism, breakdown is catabolism, MCQ ये आएगा. Building up is anabolic, building up, this can come in MCQ. Main characters may not come, catabolism, anabolism will come. Make a heart on the screen right now. And guys, come on yaar, come on, बोलना पड़ेगा क्या? Right? संजय चौहान कह रहे हैं मैम क्लास कब तक चलेगा, बेटा आप अभी चले जाओ, bye. Bye. आप अभी चले जाओ. ना कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. अभी क्लास शुरू हुआ, अभी कब तक चलेगा कैसे बता दूं मैं? पढ़ना है बैठ जाओ, नहीं पढ़ना जयराम जी की, बाय बाय. डन एवरीबडी? ठीक है, कॉपी कर लिया, साथ साथ कॉपी कर लो. नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर इंपॉर्टेंट. Is growth a defining character? Different types. Is growth accretion? Growth non-defining. Accretion non-defining. Increase in size non-defining. Is pe example aayega drones, mules, reproduction non-defining. Is that clear everybody? Take a snapshot when I've written it down. After every time I will write it down, then you take a snapshot. Okay, so we have done numbers, MCQ questions can come, we have done characters of living things, I have told you what is non-defining, what is defining, where questions can come. Let us come to the basis of systematic study. Characterization, nomenclature is most important, identification is more important, characterization is less important, classification is average important. This is a sign for average, this is a sign for less important, nomenclature, identification more important in terms of definition. Is that clear everybody? Yes, everybody, is that clear? So these are the two things which are very important. The description of a taxon involves listing its features by recording the appropriate characters. And characters are wo lenge which help you in
separating a taxon. So question might come, what is the most important part of a character? What is the most important part of a character? Vinayak, Ananya, tell me, Chaitanya, what is the most important part of a character? The one which helps it separating from the taxon. Write a you on the chat section. Is that clear, everybody? Done. Classification, arrangement of organisms into groups based on similarities and dissimilarities. Only this word is important. What is the basis of classification? A question can come. The basis of classification is similarities, dissimilarities. This word is important. Nomenclature and identification important from MCQ point of view. Determining a distinct and proper name. When you want to give name, option 1 can be classification, option 2 can be nomenclature, option C can be characterization, option 4 can be identification. What will be your answer? Name is nomenclature. Is that clear? Now, when you want to identify, you will identify whether it is similar to any other known group or not. That is identification. Write a U on the chat section right now. Write a U on the chat section. Heart bana do. Abhi ke abhi, one heart, one like. Done. So similarities ke basis pe, whether you are studying the characters and you are identifying the characters based on the similarities. When you name them, that is nomenclature. When you see the similarities and dissimilarities, it is very confusing because yahan par bhi similar word hai, but you are going to identify. Yahan par you are going to name, yahan par you will only study the similarity and dissimilarity, and basically characterization is to separate a taxon. Characterization, separation of taxon ke liye. So these words are the most important words. Yo, now click a snapshot. Chalo. Now click a snapshot. Click. Clicked, everybody. Drones news are very important. Agla slide. No question will come from outside this. Guarantee hai meri. This is my guarantee. No question will come. Living world. Aristotle is the oldest. He was from Greece. MCQ important. Kyunki Greek philosopher bol sakte hain. Known as the father of biology or zoology. First attempt to classify. Greek philosopher, biology, zoology, father. First attempt to classify into two major groups, animals and plants. It is written in his book, Historia Animalum. That's all. Aristotle, four words you should write. Done. Janvi, Ritika, Chaitanya, Theophrastus. Beta, I can't answer your questions now because I am explaining. I will answer your questions later on. Theophrastus, father of botany. Number of plants, Historia Planetarum. John Ray, 18,600 plants. He was from United Kingdom. Book's name was Historia Generalis Planet. Family, genus, species, first person. First person, family, genus, species. Is that clear? Alia, Chaitanya, मैं 2023 के लिए 5 से 6 लेती हूँ बेटा, 5 to 6. OP, OP, done. Everybody, say OP. Bytonians, इस साल rank लाना, you have to get a rank this year, Bytonians. Click the snapshot, Bytonians. Promise, click the snapshot. Clear? Oh, this is very important. How many MCQs can you count on this, Bytonians? कितने MCQ दिख रहे हैं इस एक slide में? Just tell me how many MCQs can you count here, Bytonians? See, and from here, iske ilawa kuch nahi aayega. Let me tell you today, Bytonians. Nothing will come from a part of this. This is, you have to by heart. Dekhna, questions will only come from here. Okay? Chalye. That, Bytonians, let's increase our speed. Let's move forward. Carolus Linnaeus, father of modern taxonomy. Animalia nahi hai. Kaafi bachche confused ho jate hai. MCQ, binomial nomenclature. MCQ, systematics, MCQ. Right? He also discovered the word class. Systema, natura, species, planetarium. That's all. No time pass. Four words, one line, two, three lines, four words, MCQ. Father of modern taxonomy, binomial system of nomenclature, systematics and class, systema, natura, species, planetarium. Over. Finished. That's all. This is last minute revision. This has to be there. I will do all the chapters. Agar aapko sare chapter chahiye, aap main comment section mein likh dena. Theek hai? Done. Julian Huxley, 1940. New systematics. Is that clear? And he is very important
for Julian Huxley, phylogenetics, evolutionary relationship, very, very important. Multiple time MCQ. Who was the first one to study evolutionary relationship? Julian Huxley. Ernst Mayr. E. Mayr. Very important. Ernst Mayr. He defined taxon. MCQ. Right? He defined taxon, the taxonomic group of any rank that is sufficiently distinct as a definite category. Biological concept of species and modern concept of species. Very important MCQ in algebra. Biological concept, the ones who can freely interbreed. You would have heard it multiple times previous year question. Ernst Mayr defined taxon, right? He was the one who gave the biological or the modern concept of species. Who gave evolutionary relationship? Julian Huxley. Who wrote the book Systema Natura, Species Planetarum, Carolus Linnaeus, Binomial System of Nomenclature, Carolus Linnaeus, Systematics, Class, Carolus Linnaeus, Father of Modern Taxonomy, Carolus Linnaeus. Yo everybody, Anas today no MNT quiz mere bachche, bold karke MNT quiz nahi ho jayega beta. Today I am doing cheat sheet day, MNT quiz will be 9 PM. Yo everybody, abbreviations ICBN, ICBR, ICZN, ICNCP, ICNB, well done. International Code of Botanical Nomenclature, Viral Nomenclature, aa sakta hai because of COVID-19, Zoological Nomenclature, Cultivated Plants, CP Extra, Cultivated Plants, and Nomenclature of Bacteria. Yo everybody, yes, OP slides, is that clear everybody? But guys, abhi tak no likes ya, hearts nahi banate, likes nahi karte. Yo, OP, next one. Now, very important. How many of you have seen question? Lower, highest, highest level, lowest level, highest level, lowest level. How many of you have seen question highest level, lowest level? Kya na? 21. Yaar, tum to sabse special bachche ho. Is saal rank chahiye bhar bhar ke biotonic se. Padh lo abhi. Right? Highest level, lowest level. Lowest level kaun sa hai? Lowest level? Species. Highest level? MCQ number 1. Done? Sabse zyada. How many of you have seen 90% similar characteristics, 10% similar, 100% similarity, similar characteristics? 100, dekha 90% similar species kahe, 100% they can interbreed. MCQ. Maximum similarity, similarity, similar, interbreed. Mangifera indica mein, indica is the species. Closely related species belong to the same genus. Panthera, Leo, Panthera, Tigris, Panthera, Pardus, right? Panthera, Pardus is leopard, Panthera, Tigris is tiger, Panthera, Leo is lion, right? Genus, closely related. Closely related genre belong to the same family, right? Solanaceae, Petunia, Datura, right? Which is very poisonous. Belong to the family Solanaceae. Solanaceae family is very important from MCQ. Closely related families belong to the same order. Jaise Convolvaceae, Solanaceae, Polymoniales family ko belong karte hain. King Philip came over for some good soup. King Philip came over for some good soup. ये तरीका है याद करने का. इसके ऊपर होगा class. Order primata and carnivora. कौन सी class है? Both of them have memory glands. Primates also have memory glands. Carnivore also. They belong to mammalia. Right? They have a notochord. Mammalia also. Pisces also. Amphibia also. Reptile also. Notochords. Chordata. And finally, all of them will be animalia. Right? All of them will be animalia. So animalia and plantae. Is that clear everybody? Very important guys, please, this is the maximum questions come from species and genus. Maximum questions. So all the abbreviations are done? Yes ma'am. All the scientists' names are done? Right? Books names are done. What did they do? Done? Living world. This chart, please, by heart, every alternate year questions come from this chart. Every alternate year questions come from this chart. Arthropoda, aapka horsefly. Mangifera indica, dicot. ये जो मैं कर रही हूँ special MCQs है. Poaceae, Poales, Poaceae, ये दोनों questions आते हैं MCQ.
मोनोकॉट है, मोनोकॉट है राइट, होमो सेपियंस, कॉर्डेटा, प्राइमेटा, होमिनिडे, ये याद हो जाएगा एवरीबॉडी, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, याद हो जाएगा पक्का, कोई डाउट तो नहीं रहेगा. हर्बेरियम, हैव यू सीन क्वेश्चंस ऑन दिस, हैव यू सीन क्वेश्चंस ऑन बोटानिकल गार्डन एंड हर्बेरियम, यस, कल भी किया था हमने हर्बेरियम का क्वेश्चन सुबह, यस वी हैव सीन क्वेश्चंस कम ऑन बोटानिकल गार्डन एंड हर्बेरियम. हर्बेरिया में क्या रहते हैं, ड्राइड स्पेसिमेंस, ड्राइड, हाइट ऑफ द ट्री होता है, नो, लोकल नेम होता है, डेट ऑफ कलेक्शन होता है, कलेक्टर का नाम होता है, राइट, एरिया ऑफ कलेक्शन होता है, बट हाइट वाइट नहीं होता है. तो शीट पे क्वेश्चंस आते हैं, राइट, विच इज द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन, द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन विच इज फाउंड इन क्यू लंडन, लार्जेस्ट. नंबर ऑफ हर्बेरिया में कितने स्पेसिमेंस है, 6.5 मिलियन. म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज इन पेरिस, कंजर्वेशन एट जॉर्डन बोटानिक्स डी जिनीव स्विट्जरलैंड, देन देयर इज न्यूयॉर्क बोटानिकल गार्डन. दिस इज इंपॉर्टेंट, this is low, 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 average to low important. This is very important. Central National Herbarium, India में, Indian Botanical Garden में herbarium है. Where is it? Kolkata. Very important. India's largest Central National Herbarium, Indian Botanical Garden. Very important and important, important. Herbarium of National NBRI. NBRI का फुल फॉर्म आ सकता है, वेयर इज NBRI का आ सकता है, राइट, NBRI का फुल फॉर्म आ सकता है, इट इज इन लखनऊ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्री वंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यू, MCQ किन कम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बोटानिकल गार्डन, IBG कोलकाता, NBRI लखनऊ, इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, you've seen लखनऊ पे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, कोलकाता पे क्वेश्चन देखे होंगे, क्यू पे क्वेश्चन देखे होंगे. लार्जेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड इज द मेन बोटानिकल, वो हर्बेरियम्स. नाउ आई एम कमिंग टू द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस एंड दिस, बट इसके अलावा वन मोर, वेयर इज द लार्जेस्ट MCQ कैन कम. Although it is not in NCRT, main botanical garden in Lucknow, 900 acres. Kew Botanical Garden and Royal Botanical Garden, Indian Botanical Garden is the largest botanical garden of Asia, 273 acres. May come, yaad rakh lijiye. May come. The banyan trees are very, very famous. And National Botanical Gardens are in Lucknow, Sikandarbagh. It is 70 acres. Lloyd Darjeeling, not that important. क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी. अब देखो बेटा, कुछ कुछ टर्म्स होती हैं, यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर थ्योरी, बट देयर आर सम टर्म्स व्हिच आर, व्हिच फ्रॉम देयर क्वेश्चंस विल कम. कुछ चीजें यहां क्वेश्चंस 100% आएंगे, डन, 100% क्वेश्चंस आएंगे, आने वो चीजें मैं आपको करा दूंगी. एंड बोटानिकल गार्डन का फॉर एक्सीटू कंजर्वेशन क्वेश्चंस कैन कम, राइट. सो डायनो फ्लैजेलेट्स हैव टू फ्लैजेला, एमसीक्यू आ गया टू फ्लैजेला, ऑप्शन हो गया ए बी सी डी. You know answer is A. One is horizontal, one is vertical. पता है आपको? Longitudinal transverse. One short, one long. दोनों में two two हैं. But one is horizontal, one is longitudinal transverse. Here is one short, one long. Four basidiospores. ये सारे previous year question हैं. Which has basidium and produces four basidiospores? Basidiomycetes club fungus. Club fungus. अगर ऑप्शन में basidiomycetes नहीं हुआ, club fungus. Basidiospores are produced in pin mold. Club fungus. Penicillium answer will be club fungus. Yvonne Woski. Tobacco mosaic disease. 1892. सबसे पहले पता लगाया certain microbes. DJ Yvonne Woski, who said that if you take the fluid out of tobacco and you give it to some other plant, the disease will spread. Contagium vivum fluidum was given by Bejornik. M.W. Bejornik, yes or no? Bejornik. Stanley. Showed that viruses can be crystallized. सबसे पहले potato spindle tuber disease, Theodiner discovered virus.
इसके लिए फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू रिमेंबर द इयर्स, रिमेंबर द इयर्स प्लीज, पूरा प्लीज रिमेंबर द इयर्स, रिमेंबर द इयर्स. हैव आई टोल्ड यू टू रिमेंबर इयर्स टिल नाउ जानवी, जागृति, हैव आई आस्क्ड यू टू रिमेंबर इयर्स? प्लीज रिमेंबर द इयर्स प्लीज. यो माय चुन्नो मुन्नोश, छोटे छोटे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्लीज रिमेंबर द इयर्स. डन, ओके. चार चीजें मैं आपको पूरा करा दूंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज रिमेंबर द इयर. गाइस यार, रैंक लाना है, इस साल रैंक लेकर आना है. डोंट गिव अप नाउ, वी नीड अ रैंक. यस मैस्कॉट्स, बायोटोनियंस, आ जाओ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन क्वेश्चन ऑन आर्किया बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, द वन हु कैन लिव इन हाई टेम्परेचर, द वन हु कैन ब्रेक इन हाई सॉल्ट, हाउ विच वन कैन प्रोड्यूस मीथेन, द वन हु कैन लिव इन द गट ऑफ काउज एंड बफेलोज. आर्किया बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज एवरेज इंपॉर्टेंट, दिस इज एवरेज इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हमने देखे, हम सबने देखे हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स भी हेलोफाइट्स. Cyanobacteria, blue green algae. It is not Archaebacteria MCQ. Cross bana diye, not Archaebacteria MCQ questions will come. Right, Reshma, Riya, Muskan, Dandeep, Princy. Right, Nostoc and Amina, you bacteria. Chrysophytes MCQ. Desmid word has come. गोल्डन एल्गी वर्ड हैज कम, डायटम्स वर्ड हैज कम. आपको सबको कल क्वेश्चन किया है, एपीवैल्व, हाइपोवैल्व, सिलिका, इम्प्रेग्नेबल, नॉट डिस्ट्रॉयबल. डन. गोनेल्यूकास इज अ डायनोफ्लैजेलेट, डायरेक्ट एमसीक्यू. यूग्लिनॉइड्स, प्लास्मोडियम, स्लाइम मोल्ड. यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन, ए सेलुलर पार्ट. दिस इज रट्टामार, ये तो आता होगा. दिस इज रट्टामार. ट्रिकी क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम हियर बिकॉज आपको याद रखना कई बार मुश्किल है. रट्टामार, अमीबॉइड, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, राइट, वंस हु हैव सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, पैरामीशियम, स्पोरोजोअन्स, मलेरियल पैरासाइट. रट्टामार प्लीज, प्लीज रट्टामार. राइट, वरुण ने टैक्सोनॉमिकल एड्स मैंने जितना कराना था उतना ही है बेटा. की वगैरह मैं सबको जितनी बार करा चुकी हूँ, उसको मुझे इसमें करवाने की जरूरत नहीं है. हर्बेरियम के अलावा आपको पता है डाइकोटोमस की, आपको पता है कैटलॉग पता है, आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स. व्हाट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चीट शीट है, थ्योरी नहीं है, चीट शीट है. राइट, यू कांट डू एवरीथिंग इन चीट शीट नाउ, यस और नो? चीट शीट का कुछ अलग डिफरेंस होगा ना. दिस इज व्हाट यू विल डू ऑन 10th इवनिंग, दिस इज व्हाट यू विल डू ऑन 11th मॉर्निंग. 12 के एग्जाम से पहले करोगे, चीट शीट है बेटा, चीट शीट समझ रहे हो? पूरा इतना बड़ा बुक थोड़ी ना पढ़ सकते हैं हम. चीट शीट का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, कि भैया एक बार देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांस है. सब करा दिया फिर चीट शीट क्या रहा? फिर तो वो चीट शीट नहीं होगा ना, फिर तो वो आपके महाभारत रामायण टाइप नोट बन जाएंगे. वीट रस्ट प्यूसिनिया ग्रामिनिस, ग्रामिनिस पूरा नाम भी लिखो. एमसीक्यू, एंटीबायोटिक सबसे पहले किससे आई थी? पेनिसिलिन. यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट, ब्रेड एंड बियर, बेकर दीज, ब्रूअर दीज. आई हैव नॉट रिटन सैक्रोमाइसिस, अभी इस स्टेज पे ऑल ऑफ यू शुड नो इट हैज टू बी सैक्रोमाइसिस. अब वो भी लिखूंगी तो चीट चीट नहीं बनेगा. एट दिस स्टेज एवरीबडी शुड नो वी आर टॉकिंग अबाउट बेकर दीज, ब्रूअर दीज, सैक्रोमाइसिस. वो ऑटो मोड पे आना चाहिए, इट इज चीट चीट. साइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है राइजोफर्स, ब्रेड मोल्ड, पिन मोल्ड, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, पिन मोल्ड कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है. म्यूकोर, पेनिसिलम एक्सोस्पोर्स बनाता है, कॉनिडियोस्पोर्स बनाता है, इट फॉल्स अंडर एस्कोमाइसिटिस, कॉनिडिया एक्सोजिनस. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स, एस्परजिनस नाइगर, एस्कोमाइसिटिस. क्लैविसेप्स पोर्फ्यूरा, ascomycetes. Neurospora crassa, wonder of genetic kingdom, ascomycetes. These three words are very important. Aspergillus niger, claviceps, neurospora, very important. Ascomycetes ke teen bahut important example hai. Aspergillus niger, claviceps porphyra, neurospora crassa exam mein aayenge, ratte maaro. It has to come in the exam. Basidium agaricus, MCQ. Favorite question of MCQ. Eustilago causes smut. Dekh lo, rust, smut. Rust, smut. Pusinia, rust. देख लो लिखा, rust, smut, rust, smut, rust, smut. Deuteromycetes, fungi imperfecta, does not do sexual reproduction. But I can't write all this in cheat sheet. पर cheat sheet का मतलब क्या रहा?
You should know it is fungi imperfecta. That means it cannot do sexual reproduction. Alternaria, coleotrichum, trichoderma. Trichoderma polysporum. Is that clear, Deep Vichare, Alia, Varun? Iske ilawa, see, sporangiospores, exospores. Rhizopus, endospore. Conidio, exospores. Ye dono exam mein aate hain. Rhizopus, right? Endospores, sporangiospores. Conidiospores, exospores. This you have to remember. Is that clear? All fungus mein NCRT examples will come. On one snapshot, all your NCRT examples are there. In one snapshot, all your NCRT examples are there. Done? Yo, beta hearts. RH will take a five kingdom classification year. One more year, apart from viruses. Done? Habitat, moisture, soil and wood, fungus, lichen, symbiotic relationship. On which animal it grows? Green color ka kaun sa animal hota hai? Sloth. Chlorella, spirulina, single cell protein. Sargassum, porphyra, laminaria, iodine. Iodine, very important. Agar, right? It is basically used for jellies, gelatin, custards, gelatium, gracilaria. ये तो आपने multiple times देखा होगा, multiple times gelatium, gracilaria, देखा है ना? Multiple times agar, red algae, gelatium, gracilaria, algin, brown algae, hydrocolloids. Carrageen, red algae, ये भी देखा होगा. This question was also multiple times. ये होता है cheat sheet. Last moment, just see it under your eyes. Gelatium, gracilaria, multiple times, it will repeat again. Carrageen, red algae, algin is brown algae. Multiple times you've done this question. These are examples of algae which will come in your exams. This is a benefit of cheat sheet. Last moment, you just have to revise them and go in the exam. This is very important. All the examples of NCERT, sare and all the previous year examples, I've got in one place. Done, Abhishek? Piyush Sharma? Very nice, beta. Very, very nice. Chale aage? Chale? Okay. Microscopic unicellular algae. Chlamydomonas. Cup-shaped algae. Chlamydomonas. Cup-shaped chloroplast. Colonial. Volvox. Filamentous. Eulothrix example. Okay. Spirogyra is more important. Flagellated and similar sized Chlamydomonas ki some species. Non-flagellated and similar sized Spirogyra is non-flagellated. Again, very high probability of coming in the exam. Spirogyra is also called pond silk. Very high probability of coming in the exam. It is also called as pond scum. Very high probability of coming in the exam. Similar gametes, isogamy. Pond silk, pond scum, similar, isogamy. Yo! Chunnu munnu gangsters. Chunnu munnu gangsters, say yo ma'am. Say yo ma'am. Chunnu munnu. यार ये मेहनत को रंग लाना है ना? इस मेहनत को रंग लाना है बेटा. इस साल रैंक लेकर आना है चुनमुनो. एंड आइसोगैमी क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स फ्यूकस मोरकम्स उगैमी एग्स बिग क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी. इन तीनों के एग्जांपल्स टेबल है एनसीईआरटी में. इन तीनों का वहां से मैंने लिया है. प्लीज बाय आउट. प्लीज बाय आउट डन चुनमुनो गैंगस्टर्स. प्लीज फोटोसिंथेसिस. अरे मैं सारा करवा दूंगी लावण्या. डू यू वांट फॉर इंटायर सिलेबस लाइक दिस? कमेंट मेन कमेंट सेक्शन. 300 कमेंट आएंगे तो करूंगी. भाग खा लो थोड़े से. 20 दिन बचे मेरे बच्चों के. यस मैम. रट्टा मार. ये रट्टा मार बाय हार्ट. रट्टा मार. क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा चारा आते हैं एमसीक्यू में. यूलोथ्रिक्स आता है एमसीक्यू में. इसका आता है ये वाला क्वेश्चन. कोलोनियल आता है इसका. स्पायरोगायरा का ये क्वेश्चन. यहां पे ग्रीन एल्गी फ्यूफाइसी डिक्टियोटा बहुत आता है. फ्यूकस बहुत आता है. याद सारे करो. एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया सर्गासम फ्यूकस. ज्यादा ऑप्शंस में आप देखोगे डिक्टियोटा आंसर होगा. पॉलीसाइफोनिया पॉली पॉरफायरा ग्रैसिलेरिया एंड जिलेटियम ज्यादा एमसीक्यूज में आएगा. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी. याद हो जाएगा. हां जी भाव पाऊंगी बेटा. ऐसे नहीं कराऊंगी मैं.
पहले मुझे बता दो कितने बच्चों को चाहिए। ओके मैम, ओके मैम, फिर मैम सोचेगी इस बारे में, मैम सोचेंगी। यस, कीप कॉलिंग एंड नॉट कॉलिंग। इज दिस इनफ फॉर लास्ट मिनट रिविजन? इट इज मोर देन इनफ फॉर लास्ट मिनट रिविजन। मेरे चुनने मुंडे गैंगस्टर्स, ब्राइड फाइट्स की एग्जाम्पल देख लो, ये याद रखना प्लीज। लिवर वॉट्स, Bryopsida, Hornworts, Horn, Anthos, Hornworts, Marchantia, then make up one more question which comes, Rhizia, Thyrocarpus, Furaria, Polytrichum, Sphagnum, Anthocirrhos, Notochaelus, Megacirrhos. Isme this question comes, isme this question comes, isme this question more. जो मैंने रेड किया है वो एग्जाम्पल ज्यादा आते हैं। Sphagnum basically आता है packing वाला question, it is hygroscopic. Sphagnum का वो question आता है, it is hygroscopic. Is that clear? Right? वो question ज़्यादा आएगा example की वजह से. Examples of pteridophytes, Psilopsida is psilocytum, Selaginella is a very important question of Lycopsida, सबसे important. It is also known as resurrection fern. It dries up और दोबारा green हो जाता है. Lycopodium and Sphenopsida में equisetum, average to high importance. Average to high importance. Done? Sonia, Niket, Janvi, Alia, Selaginella is Lycopsida example आता है. ठीक है? Done? Pteridophytes. Macrophylls. बड़े पत्ते. Done? Macrophylls. Microphylls छोटे पत्तों वाला. Dryopteris is Pteropsida. Teer is Adiantum. Maiden ear fern. Very important. Exam में बहुत बार आता है. Strobili or cones. Equisetum. ये cones, equisetum. Always this is average example. This is high. Homospori एक जैसे. Adiantum. Teeris can also come. Teeris can also come. हेटरोस्पोरी सेलेजिनेला मार्सिएला सेल्विनिया, सेल्विनिया भी आता है. मार्सिएला एवरेज, सेल्विनिया आने का चांस ज्यादा है, सेलेजिनेला आने का चांस ज्यादा है, इक्विसेटम स्ट्रोबिलाई कोन्स आने का चांस ज्यादा है. राइट, माइक्रोस्पोरोफिल में सेलेजिनेला का आने का चांस ज्यादा है, एडियंटम में आपका टीरिस आने का चांस ज्यादा है. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एडियंटम में मेडन हेयर फॉर्म होने का चांस ज्यादा है. आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आ जाइए साइकलोफाइटी, साइकल्स. साइकल्स क्या होते हैं आपके? डाइशियस. पाइन क्या होता है आपका? मोनीशियस. लिविंग फॉसिल क्या होता है आपका? गिंको, गिंको बिलोबा. ये तीन क्वेश्चंस बैक टू बैक. राइट गाइस, हार्ट कौन बनाएगा, लाइक कौन करेगा, सब्सक्राइब कौन करेगा? एंड गाइस जाते जाते यार टेल योर स्कूल फ्रेंड्स अबाउट आवर चैनल. आर यू डूइंग दैट? छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाते हैं ना, देश बदलते हैं. लोग मुझे कहते हैं आप बायो के टीचर बन गए? नहीं, कहते हैं बायो तो पढ़ाते हो 10 साल से. मतलब देश बदल रहे यार, बच्चे बच्चे को पढ़ाना है. बायो तो कोई भी पढ़ा देगा, बायो तो पढ़ाती हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम एक्चुअली माई एम इज कि यार इस देश का हर एक बच्चा पढ़े, एवरीबडी. बायो तो पढ़ाना है, वो तो लास्ट दिन तक पढ़ाऊंगी यार, वो तो दैट इज माय प्रोफेशन, वो तो करूंगी, आई विल डू दैट. बट व्हाट एल्स, व्हाट इज माय बिगर पर्पस इन लाइफ? आप डॉक्टर बनोगे, आपका बिगर पर्पस क्या है? पैसे कमाना. डॉक्टर बनके आपका पर्पस क्या है? पैसे कमाना. पैसा तो बिजनेस शुरू कर लो, डॉक्टर से ज्यादा पैसा है. फिर तो आप एक काम करो, लोगों को किडनैप करो, एक बार में सारा पैसा कमा लो. किसी बड़े से आदमी को किडनैप कर लो और पैसा कमा लो. अगर पैसा कमाना है हमें, Your aim is human service, right? पैसे कमाना थोड़ी ना डॉक्टर बनने का aim होगा. 1% का होगा, 2% का होगा aim कि डॉक्टर बन के पैसा कमाना है. बट बाकी होगा यार, I want to help people. जब कोई कहता मैंने IAS बनना है, उसका aim कोई ये थोड़ा ना होता है कि यार मैंने बहुत बड़ा बंगला गाड़ी लेना है. I want to work for India. यार मुझे, मैंने गरीबी देखी है, मुझे गरीबी हटानी है, वो aim होता है. तो मेरा भी एम है देश को बदलना है. सो प्लीज दैट्स माय एम. पढ़ाना तो इज अ पार्ट ऑफ इट, बट आई वांट टू वर्क फॉर इंडिया, आई वांट टू वर्क फॉर माय कंट्री. यस, आई वांट टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस, एंड फॉर दैट आई नीड योर सपोर्ट गाइस. आप चले भी जाओगे तो आई नीड योर सपोर्ट.
Yes. When you doctor bhi ban jaoge, I need your support. We are one family, and don't leave this channel and go. We are actually one big family. Yes. Chalo, aa jao. To pines ke example yaad rakh lo. Fir spruce, cedar, chinar, deodar. Fir chinar, deodar, MCQ. Cypress, redwood. Ye. Sequoia, semi-permeans. Very important. Giant redwood. Sabse bada. Gymnosperm, MCQ, देख लो, sequoia, semi-permeans, redwood, giant redwood, gymnosperms. Gnathine is xerophytic, desert वाला gymnosperm. लिखो बेटा, लिखो भी पिट्टी खाओगे. Gnathines, desert वाला gymnosperm. Tallest tree आ गया sequoia, semi-permeans. Cycas, negatively geotropic roots किसकी होती है? Negatively geotropic मिट्टी से बाहर आ जाती है, उनकी roots में blue green algae होती है, choroid roots. Yo. Mycorrhiza, Pinus. Roots, fungus plus higher plants. Pinus में होता है. नाम क्या है फंगस का? Glomus. क्या करती है? Potassium. Ectomycorrhiza outside, endomycorrhiza inside. Vesicular, arbuscular mycorrhiza. Yo everybody. Yes, copy कर लो. चले बच्चों, चलो बोलो. अच्छा बेटा एक और बात बताओ, लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए? सेकेंड लाइव मॉक टेस्ट संडे. मेरा बैंड बच जाएगा, पर कुछ नहीं होता यार, तुम लोग जाने वाले हो. सेकेंड लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए लिख दो. पीसीबी यार पढ़ लो डॉक्टर बनने. सेकंड लाइव मॉक टेस्ट कब चाहिए? संडे या मंडे शाम को? कब चाहिए बता दो. पीसीबी पूरा सेकंड लाइव मॉक टेस्ट. यार मैं बैठ के क्लास ले लूंगी, कैसे भी ले लूंगी, पर देना है टेस्ट. आपके एग्जाम से पहले मैं 5 मॉक टेस्ट ले लूं. 5 फर्स्ट हो गया, सेकंड लाइव मॉक टेस्ट संडे पक्का शाम को बैठ जाओगे. संडे 9 से 12 संडे टाइम लिख देना. 9 से 12 ना या सुबह मेरी 3 से 5 तो क्लास रहेगी. 3 से 6:30 बाप रे बाप, 7 बजे तक फ्री होंगी मैं. फिर 8 से कर ले, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 है. लिख दो मेन कमेंट सेक्शन में. पर यार 5 to 6 मॉक टेस्ट दे दो. फिजिक्स के लिए पता है मैंने कितना जुगाड़ा, किस किस को मेल लिखी, प्लीज मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन दे दो नए पैटर्न वाले. फिर दूसरे को लिखी, प्लीज मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ आंसर की दे दो. आपको क्यों चाहिए? आपका तो बायो चैनल है ना. देखो बच्चों का बायो का टेस्ट छोड़े ना, बच्चों का तो फिजिक्स का टेस्ट भी है ना. डन, ठीक है. तो मुझे ऐसे पापड़ बेलने पड़े तुम्हारे चक्कर में, मुझे फिजिक्स के पेपर दे दो. क्या हो गया इसको, फिजिक्स के पेपर क्यों मांगे, इतने पापड़ बेलने पड़े तुम्हारे चक्कर में. पढ़ दो ठीक है, मुझे मेन कॉमेंट सेक्शन में लिख देना. सैटरडे कर देते हैं. यो सैटरडे नहीं, संडे. चुपचाप पढ़ोगे तुम? अभी मैं जैसा बोलूंगी वैसा ही करोगे, पढ़ाई करो चुपचाप. चलो संडे ठीक है. ब्रांच स्टेम इज फाउंड इन पाइनस सेड्रस ब्रांच. बाकी सारे ये सिंगल होता है, इसमें नो ब्रांचिंग, नो ब्रांचिंग. ये रहा साइकस. जैमिया पिग्मिया इसका पूरा नाम होता है, जैमिया पिग्मिया, नो ब्रांचिंग. छोटा होता है पिग्मी, छोटा होता है, स्मॉलेस्ट मिनिएचर होता है अनब्रांच साइकस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बाद में मत बोलना, लिख लो. डाइशियस मोनिशियस वेरी, ये चारों Very important. Gnetophyta, xerophytic, choroid roots, लिखो. Done. चलो आगे बढ़ो. आगो एनिमल किंगडम पे. अब मुझे दो चीजें बतानी है आज के कमेंट सेक्शन में. ये सारे सिलेबस के लिए चाहिए, और अगला डिफिकल्ट टॉपिक बता दो किसका करा दूं, तो मैं आपको चीट शीट करा दूंगी सारी, पूरी पूरी यूनिट की कराऊंगी, चैप्टर की नहीं. टाइम वेस्ट नहीं करना हमें. और दूसरा संडे को मैं 9 से 12 ले रही हूं आपका मॉक टेस्ट. अयो रामा. हाँ, सेडेंटरी फिक्स टू सबस्ट्रेट स्पॉन्जेस. सेडेंटरी अदर एनिमल्स के ऊपर जो फ्लोट करके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एपिजोअन. एपिफाइटिक ऑन टॉप ऑफ अदर प्लांट्स, एपिफाइट्स. ऑर्किड्स आर एपिफाइट्स ऑन टॉप ऑफ अदर एनिमल्स, एपिजोअन.
attached over rooted plants, periphyton. If or any animal is attached on rocks or stones, lithosphere se bana hai, lithic. Epilithic. Epilithic. Is that clear, Jagriti? Sanj, Anuja, Divya, Udya, Suchit, Maria, Abhishek, Deep, Priya. जो बहुत फास्ट रन करते हैं कैंगरू. यार मैंने ना एक बार मैंने एक वीडियो देखा था, एक आदमी ने कैंगरू का थप्पड़ मारा. कैंगरू ने एक्चुअली एक आदमी का डॉग ले लिया और कैंगरू इतना टॉल. आपने वो वीडियो देखा? बड़ा फनी वीडियो था, पता नहीं मुझे भूल गया, मैंने इंस्टा या कहीं पे देखा. फिर दैट पर्सन थप्पड़ मारा बेचारा कैंगरू को, कैंगरू ऐसा स्टंट हो गया. देखा है? कैंगरू ऐसा स्टंट हो गया फिर भाग गया. बट कितना फास्ट उस दैट कैंगरू हैड पिक्ड अप दैट एनिमल्स दैट पर्सनस डॉग. Right? I will do evolution. It's a very funny video. But kangaroos can run very fast. Horses can run very fast. Dogs can run fast, obviously. Jo baro mein rehte hain. Rabbits. You know who's my favorite rabbit? Snowball. I love Snowball. Have you seen that movie? Oh, he's so cute. Have you seen Snowball? Not Bugs Bunny. You should see Snowball. He's very evil and naughty and cute. But rabbits. Remember, they make burrows. Very cute rabbit. You should see that movie after your exams. Snowball. Okay. Live on trees, bats and monkeys. अच्छा इसका question आता है. These are in Amazon rainforest. इस पे क्वेश्चन आता है, वेयर आर दे फाउंड, थार डेजर्ट, इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन आएगा. क्लाइंग बॉल्स, लिजर्ड्स, आया हुआ है, फ्लाइंग स्क्विरल, रॉक्स एटसेट्रा, स्कैंसोरियल, द फ्लाई, बैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एरियल. सो द वन विच इज इंपॉर्टेंट इज आर्बोरियल, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो एमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाला, बर्रोइंग एंड रन फास्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन द एग्जाम. द वंस विच लिव अलोन, बियर्स एंड रेड पांडास आर सॉलिटरी. कोलोनियल इज वेरी इंपॉर्टेंट. टर्माइट, वॉस्प, हनीबी. हनीबी का पूरा स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है. कोलोनियल, कोलोनियल, राइट. टर्माइट, हनीबीज, वॉस्प, इंसेक्ट्स कॉलोनीज में रहते हैं. सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्ट, वो खाते बहुत है. जो ग्रुप्स में रहते हैं वो पेस्ट, उसको कहते हैं जीपी. ग्रिगेरियस पेस्ट क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्लीज बता दो वाणी में आपको जल्दी. ग्रिगेरियस पेस्ट. और मॉक टेस्ट लेना है बेटा, मॉक टेस्ट नंबर 2 में संडे को लूंगी, फुल सिलेबस, फुल सिलेबस नंबर 2 मॉक टेस्ट. पैरासाइट्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर फूड प्रोटेक्शन एटसेट्रा. टेपवर्म, एस्कैरस, एस्कैरस लुम्ब्रिकोइडिस, टेपवर्म, एक्टोपैरासाइट, लाइस, एंडोपैरासाइट, ग्रिगेरियस पेस्ट कम्स. बिल्कुल आप ठीक बोल रहे, झिंगुर, राइट, जर्म लेयर्स. अभी पूरा सीलोम वगैरह सब कुछ कराना है. टू जर्म लेयर्स, डिप्लोब्लास्टिक, एंडो, एक्टो. मीसो इज नॉट देयर, मीसो इज नॉट देयर, इंपॉर्टेंट. स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट. तीन जर्म लेयर होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मीसोडर्म आ गई. प्लैटीहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे सेंस ऑर्गन्स अगर हेड पे आने लग गए, सेफलाइजेशन. हेड प्लैटीहेलमिंथस से स्टार्ट हो गया, डेवलप होता चला गया. सो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेफलाइजेशन डन. एक्टोडर्म से क्या बनता है? एक्सोस्केलेटन, ऑर्गन्स. एंडोडर्म इज द लाइनिंग. प्लीज रिमेंबर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चीट शीट में करवा दूंगी, एक्टोडर्म एंडोडर्म से क्या बनता है. अपेंडेजेस, सीलेंट्रेट्स के अपेंडेजेस कहलाते हैं टेंटिकल्स. आपने पैरापोडिया तो कम से कम 50 बार एग्जाम में देखा होगा, एमसीक्यूज. एंटीने वर्ड देखा होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस देखा होगा, आर्थ्रोपोडा. मस्कुलर फुट और रेडुला वर्ड सुना होगा, अपेंडेज नहीं है, एक्स्ट्रा बता रही हूं, मोलस्का. फिन्स, लेग्स एंड विंग्स आर सीन इन वर्टिब्रेट्स. पैरापोडिया बहुत आता है, नीडेस वर्ड देखा होगा, फुट देखा होगा, रेडुला देखा होगा, राइट एवरीबडी. इट कम्स इन मोलस्का. इज दैट क्लियर? हार्ट्स गाइस पर लाइक, 1000 लाइक पर रुक गए बस. आ जाओ सीलोम, ये सीलोम, सूडो सीलोम बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. चलो फटाफट करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सीलोम इज अ नेम विच इज गिवन टू द इंटरनल बॉडी कैविटी, राइट. डाइजेस्टिव ट्रैक को आउटर बॉडी वॉल से सेपरेट करिए, डाइजेस्टिव ट्रैक, और ये जो जगह है ये सीलोम है. डन. इट इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड लाइंड बाय पेरिटोनियम. इसकी जो कवरिंग है
सीलोन की जो कवरिंग है इट इज डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म एंड अंडरस्टूड. सीलोन में आता क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को जगह चाहिए. एज द ऑर्गेनिज्म इज बिकमिंग बिग, इंटरनल ऑर्गन्स नीड स्पेस टू ग्रो एंड मूव इंडिपेंडेंटली आउटर वॉल से इंडिपेंडेंटली. जो सॉफ्ट होते हैं जैसे अर्थवर्म्स, इट इज द फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट. सीलोम अर्थवर्म में क्यों इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, तभी तो वो मूव करेगा. केंचुआ ऐसे, इट फॉर्म्स द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. जिनमें बॉडी कैविटी नहीं है दे आर रेफर टू एज एसीलोम. विदाउट बॉडी कैविटी प्लैटीहेलमिंथस फ्लैटवर्म्स, पॉलीफेरा सिलेंड्रिक प्लैटीहेलमिंथस. राउंड वर्म से शुरू होगा सूडोसीलोम. कैविटी है बट नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. द रियल कैविटी सीलोम हैज टू बी लाइंड बाय मेसोडर्म. आई विल डू इट फॉर शरण ऑल द सेशंस. आप बस मुझे इतना बता दो नेक्स्ट चीट शीट आपको कौन से डिफिकल्ट टॉपिक पे चाहिए. नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, एवोल्यूशन एक वर्ड आ चुका है मेरे सामने, और बता दीजिए. ट्रू सीलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म. इट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब. सुना है, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान नहीं है, वन माउथ नहीं है, ट्यूब विद इन ट्यूब. सुना है कि नहीं सुना है? ट्रू सीलोम. Annelids onwards. अगर फट कर बनी है मेसोडर्म, टियर हो गया, फट गया, सिज़ो, डाइजेस्टिव ट्रैक गट से बनी है, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, आउटग्रोथ, एंटेरिक इज इंटेस्टाइन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? भूख लगी है, जल्दी कर लो यार, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया. ये देखो आज मेरा ब्रेकफास्ट. क्लास शुरू हो गई, डन. आपको भी लगी होगी ना भूख, लगी है? एवोल्यूशन प्लांट एनाटॉमी करवा दूंगी बेटा. मेन कमेंट में लिख दो, मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा ना, प्लीज मेन कमेंट में लिख दो. डन. ट्रू सीलोम इज द वन विच इज लाइन. सिज़ो सीलोम फटकर बनी है, स्प्लिट. एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क्स, इकाइरोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, एंटेरिक, एंटेरोसीलोम. इज दैट क्लियर? एचसीक्यू अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोजोन्स, ए सेलुलर, नो सेल. सेल आ गए स्पॉन्जेस में, कोनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, टिश्यू ग्रेड, सीलेंट्रेट, ऑर्गन्साइट, फ्लैटवर्म्स, देन ऑर्गन सिस्टम, हायर इनवर्टिब्रेट्स. सो ये सेलुलर ग्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये दोनों एवरेज है, इतना इंपॉर्टेंट. सेलुलर सबसे ज्यादा आता है, सेलुलर टिश्यू ग्रेड. अब सिमेट्री पे आ जाओ. एसिमेट्री, बॉडी प्लान इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स. स्पॉन्जेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पॉन्जेस एंड अमीबा. सेकंड, स्फेरिकल सिमेट्री. यू कट इट फ्रॉम एनीथिंग, वॉल बॉक्स में तब भी बताया था स्फेरिकल सिमेट्री. एमसीक्यू स्फीयर के फॉर्म में, स्फेरिकल. Equal halves by any plane, radial, hydra, jellyfish, pentaradial, किसमें? Starfish. Only one plane you can cut it. एक ही plane में आप उसे cut कर सकते हो. Sea anemone. तेजस बेटा plant physiology आपने कह दिया है, comment section में डाल दीजिए. Bilateral symmetry, platyhelminthes. Bye. Two equal halves. Spherical, wall walks. रेडियल, हाइड्रा, जेलीफिश, पेंटारेडियल, स्टारफिश, बायरेडियल, वन हाफ, सी एनिमल, बायलैटरल, हेल्प लेटी हेलमेंथस ऑलमोस्ट ह्यूमंस आर बायलैटरल. सपोर्ट सिस्टम, एंडोस्केलेटन, कार्टिलेज, बोन, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है. इनवर्टिब्रेट्स, इन इट इज लिविंग एंड इन इनवर्टिब्रेट्स नॉन लिविंग, कैलकेरियस और सिलिका के स्पिक्यूल्स का बना होता है. कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरिया, सिलिकस एंड स्पॉन्जियन फाइबर, डेस्मोस्पॉन्जिया, एमसीक्यू स्पॉन्जेस. कैल्शियम का एक्सटर्नल, मॉलस्क, बट एक्सेप्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सीपिया में नहीं है, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है. काइटिन, स्टारफिश में प्लेट एंड स्पाइन, सी अर्चिन्स में स्पाइन्स. यस, याद हो रहा है ना बच्चों? स्केल्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स. बर्ड्स में हाइंड लिम, स्केल्स. टॉर्टोइस में क्या कहते हैं? कार्पेस. स्क्यूट्स किसमें कहते हैं? सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है. स्क्यूट्स किसमें कहते हैं? स्क्यूट्स किसमें कहते हैं? स्क्यूट्स.
क्रोकोडाइल. नेल्स किसमें कहते हैं? लिजर्ड्स. बर्ड्स किसमें होते हैं? बर्ड्स में क्या होता है? फेदर्स. राइट एवरीबडी. हेयर होता है मैमल में. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कॉपी कर रहे हो? इजी लग रहा है? लग रहा है मेरा काफी टॉपिक खत्म हो रहा है? बेटा देखो, अगर आप एनिमल किंगडम को ध्यान से देखोगे ना, एनिमल किंगडम में कभी भी जो क्वेश्चन है ना वो इंटरनल नहीं आता है. एनिमल किंगडम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा किसी एक के फाइलम के बीच में से बहुत ज्यादा आ गया. नो 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 नो. बेसिकली इसी टाइप से आएंगे. अब मैं आपको क्वेश्चन पता है अगले क्या आएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, है ना. फिर क्या आएगा क्वेश्चन आपका? ओवीपैरस. ये वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं. करा दो प्लीज, 10 slides और है. करा दो 10 slides. डन. कोल्ड ब्लडेड, ये देखो ये बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये कोल्ड ब्लडेड वगैरह वाले बहुत. राइट, जल्दी करते हैं. ओवीपैरस, वाइवीपैरस, ये वाले क्वेश्चन बहुत. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं पोइकिलोथर्म्स, एक्टोथर्म्स होता है. Their body temperature varies according to the body. Fishes, amphibians, reptiles. कोई भी reptile आए, आपने चुपचाप cold blooded कर देना है. Fishes, इसीलिए वो क्या करेंगे? Hibernate और estivate. Fishes, amphibians, reptiles. Warm blooded animals कौन से होंगे? Endotherms, mammals and birds. Endotherms. They can manage their temperature. भूख लग रही है? चुनू मुन्नू शाइनी जी, 2 minutes रुक जाओ. मैम को भी लग रही है बेटा, 2 minutes रुक जाओ. डन. टेम्परेचर, पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड, एम्फीबियन हो गया, फिश हो गया, रेप्टाइल हो गया. इज दैट क्लियर? राइट, बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स. वार्म ब्लडेड हो गए जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स. आ जाओ डाइजेस्टिव ट्रैक. कंप्लीट, इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट है, सिंगल माउथ है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, सिंगल ओपनिंग, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स. कंप्लीट है, माउथ एंड एनस आर सेपरेट. इट इज कॉल्ड अ ट्यूब विद इन ट्यूब. राउंड वर्म से शुरू होता है, मैमल्स तक जाता है. सीलेंट्रेट्स और फ्लैट वर्म्स में इनकम्प्लीट होता है और कंप्लीट शुरू हो जाएगा राउंड वर्म टू मैमल्स. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड वेसल्स है, एनालिड और कॉर्डेट. आर्थ्रोपोड और मॉलस्क, स्पाइरिकल्स. आर्थ्रोपोड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. बॉडी सरफेस से रिस्पायर करना, हाइड्रा. गिल से प्रॉन्स, फिशेस. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, लीचेस इन फ्रॉग्स. ट्रेकिया, इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी. बुक लंग्स, स्पाइडर्स. बुक गिल्स, किंग क्रैब. डन. ओके एवरीबॉडी, अगला रेस्पिरेटरी सिस्टम. डन, करा दो जल्दी से. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम. पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स. एम्फीबियंस कब करेंगे? जब वो लैंड पे आ जाएंगे, जैसे फ्रॉग. अदरवाइज क्या करेंगे वो? जब तक टैडपोल है, टैडपोल तक दे विल डू रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कौन करेगा? एडल्ट्स. राइट, इज दैट क्लियर? डन. ओके, बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन जो है आपकी, गुड मॉर्निंग. एम्फीबियन है बेटा, एम्फीबियन, एम्फीबियन गिल्स. इज दैट क्लियर? बिल्कुल, यस. आलिंगन. और बक्कोफरेंजियल रेस्पिरेशन क्या होता है? क्यूटेनियस स्किन से करते हैं. यू सीन फ्रॉग्स डू बक्कोफरेंजियल मेम्ब्रेन. बक्कोफरेंजियल मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करते हैं. हर्माफ्रोडाइट कौन होगा? अर्थवर्म, टेपवर्म. क्यों है? क्योंकि दे हैव टू ले एग्स. इट इज अ टाइप ऑफ एंडोपैरासाइटिक एडेप्टेशन इन देम. द वर्ड इज एडेप्टेशन. लीचेस, लीचेस भी होती है. यूनिसेक्सुअल, फ्रॉग्स, डाइशस, लिजर्ड्स, बर्ड्स, रैबिट्स. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अलग लगते हैं. मोर मोर मी, पीकॉक, पीहन, लाइन, लाइनस, ह्यूमन बींग्स. प्रोटोएंड्री, मेल पहले मेच्योर होगा. प्रोटोगाइनी, फीमेल पहले मेच्योर होगी. ये तो हमने प्लांट्स में भी देखा है. ओके, डन. डन. फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में. फ्रॉग्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टारफिश इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल है. हर्माफ्रोडाइट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे. टेपवर्म्स, अर्थवर्म, ऑल फिशेस. इसमें आपको पता है क्लाइटेलम पे क्वेश्चंस आते हैं. एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मैमल्स. राइट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन. ठीक है जी, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ डेवलपमेंट, ओवीपैरस जो एग ले डाउन करेंगे,
फ्रॉग रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको कहते हैं प्रोटोथेरियंस, जो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जिनमें बॉडी के अंदर होती है और मदर जो है वो बर्थ देती है बच्चे को, इनको कहते हैं मैमल्स. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इंटरनल बट नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन. शार्क एंड रैटल स्नेक सबसे इंपॉर्टेंट शार्क है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट शार्क है. शार्क ओवो वाइविपैक्स. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है पर प्लेसेंटा नहीं है. फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट दोनों इंटरनल है. जो ह्यूमन बींग्स है वो बच्चों को जन्म देते हैं, ऑब्वियसली जो आपके यूथीरियंस है और मेटाथीरियंस है. जो आपके कैंगरूज है वो जो है उनका डेवलपमेंट पूरा बहुत लॉन्ग टाइम का नहीं होता है, इसलिए पाउच होता है. और ह्यूमन बींग्स जो मैमल्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट कंप्लीट होता है. एगलेइंग मैमल कौन सा है आपका? प्लैटिपस है, ओवी या उसको ऑर्निथोरिंकस कहते हैं. इज दैट क्लियर? और आपके जो एगलेइंग होते हैं उनको हम ओविपारस कहते हैं. कैसी लगी आज की क्लास? इट इज मोर देन इनफ फॉर नीट एग्जाम बेटा, इट इज मोर देन इनफ फॉर नीट क्लास. अब मेरे दो काम करने हैं. सबसे पहले मुझे अभी एक लाइक चाहिए जाने से पहले, और दूसरा आपको मेरे दो सवालों का जवाब देना. पहला, चीट शीट कैसी लगी? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक? जल्दी बता दो कॉमेंट सेक्शन में कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक आपका चीट शीट्स का. और नंबर टू, आपके मॉक टेस्ट का टाइम. बिना मॉक टेस्ट के तो बेटा हमारी नैया पार नहीं लगेगी, फिर बायोटोनियंस में और बाकी बच्चों में क्या फर्क लगेगा, राइट? आज शाम को तो मैं साइंटिस्ट करा रही हूँ आपको, प्लीज वो क्लास मिस मत करना साइंटिस्ट वाली. कल मैंने आपको डेट्स कराई थी, आज सारी साइंटिस्ट कराऊंगी. वेदांतु बायोटोनिक बहुत मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के लिए, बस अब बच्चों का सपोर्ट मिल जाए तो वी आर गोइंग टू बी अनबीटेबल, राइट? और बेटा अभी भी टाइम है, 20 क्लासेस वाला क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स की जो फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी आपके ड्रॉपर्स बैच में अगर आपको ड्रॉप करना पड़ा. प्रॉपर बैच में दिखा देती हूँ, एटलीस्ट सीट बुक कर लो. ऐसा ना हो कि मतलब यू नो, अगर बाय चांस आपको लग रहा है मैंने अभी पढ़ना शुरू किया है, एम गिव अप नहीं करना. एम वही रखना है, क्या एम है हमारे साल रैंक हमें लेकर आनी है, डॉक्टर तो हमें बनना ही बनना है. अच्छा, ये तो बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं. इंपॉर्टेंट बात ये है, साइंटिस्ट्स लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट दे देना. साइंटिस्ट इन वन शॉट है आपके लिए, शाम को शार्प 9 o'clock. और कमेंट करना मत भूलिएगा, अगला टेस्ट कब चाहिए आपको. तो यहां पर मेन कमेंट सेक्शन में जाइए, आज लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेस्ट भी. अगला टेस्ट कब चाहिए, संडे क्या टाइम पे चाहिए बता दो, टेस्ट संडे को डन. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? जो टॉपिक बोलोगे, प्लांट फिजियो कोई बोल रहा था, कोई प्लांट एनाटॉमी बोल रहा था, कोई एवोल्यूशन बोल रहा था, टॉपिक लिख दो. सबसे ज्यादा जिसको लाइक्स मिलेंगे वो टॉपिक में करवा दूंगी डन. इसके नीचे जाके कमेंट सेक्शन पे, यहां मत लिखो यार, मेन कमेंट सेक्शन में जाके अभी आएगा मेन कमेंट सेक्शन, वहां कर देना. मेक श्योर यू आर लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग, और सारे बच्चों को बता दो जिनको भी बायो पढ़ दिए कि बायोटॉनिक पे आ जाए. बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, बाय, सी यू, बाय बाय बच्चों.